अरसे से इंतजार था नगर वासियों को, शहर वासियों को, आम से लेकर के खास लोगों को, यहाँ तक कि संबंधित विभाग की बात करें, यदि रेल के आला अधिकारियों की बात करें, सभी का इंतजार था कि शहडोल से नागपुर के लिए सीधी ट्रेन चलाई जाए और आखिरकार जो है रेल प्रशासन ने उस पर मुहर लगा दिया। शहडोल की जनता का अभिनंदन, बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है, शहडोल से नागपुर रेल चली है, जनता को अनेकों प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, सुविधाएं बढ़ेगी। बहुत बहुत बधाई रेल मंत्री जी को। आभार जो है, सैकड़ों हजारों की संख्या में आप जो जनमानस यहाँ पर भीड़ दिखलाई पड़ रही है, इस भीड़ में जो है आम से लेकर के खास तक जो है अपने नागरिक बंधु है, और यहाँ तक कि एक सामान्य जो है व्यक्तियों की समूह से लेकर के खाकी की बात करें, रेल विभाग के जो है संबंधित विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों की बात करें, और खुशी की बात दोस्तों यह है कि जिस हिसाब से जो है आज 5 अक्टूबर 2023 के दिन जो है शहडोल से सीधी ट्रेन नागपुर के लिए रवाना करने के लिए आज मध्य प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी का यहाँ पे जो है मौजूदगी होगी, यहाँ पे उनका जो है उपस्थिति दर्ज होगी, और जिस हिसाब से आप मेरे पीछे जो है दुल्हन की भांति जो सजाया गया, जो आप ट्रेन देख सकते हैं, यही वो ट्रेन है जिसे जो है शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री जो है हरी झंडी दिखा करके आज इसे जो है रवाना करेंगे। बड़े उत्सुकता के साथ, बड़े खुश मिजाज भाव में सारे के सारे लोग यहां पर खड़े हुए हैं कि आखिरकार हमारे विराटनगर शहडोल से इस ट्रेन को जो है कब रवाना किया जाएगा। बड़े उत्सुकता, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार शहडोल वासियों को कितनी खुशी है और वो क्या उस ट्रेन में सफर करने की तैयारी में है, या फिर जो है उस ट्रेन को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है जिस ट्रेन को आज यहाँ से रवाना किया जाएगा। क्या नाम है आपका? ट्रेन की रवानगी जैसे कि आज होना है, बड़े लंबे अरसे और लंबे इंतजार के बाद आज ये सौगात जो है रेल प्रशासन की बात करें या फिर जो है मध्य प्रदेश शासन के बड़े बड़े पदाधिकारियों की बात करें, सौगात आज जो है मिलने जा रही है, हरी झंडी दिखाने जा रही है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? शहडोल से नागपुर ट्रेन चल रही है, बहुत लोगों को बहुत समय से इंतजार था कि शहडोल से नागपुर ट्रेन चली, बहुत लोग ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं, उनको भी बहुत खुशी है कि हम अब आसानी से कम समय में जा सकते हैं। ये जनमानस, ये जन सैलाब भी अपन कह सकते हैं जिस हिसाब से लोग यहाँ खड़े हैं, भले एक कहावत है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, बहुत सारे शहरवासियों को तो ऐसा भी है कि नाराजगी भी थी आखिरकार ट्रेन क्यों नहीं चलाई जा रही है नागपुर के लिए, लेकिन जब ऐसे में आज ट्रेन चलाई जा रही है, वाकई में कितनी बड़ी खुशी है जनमानस के बीच में आपको, और खासतौर पर जनमानस के फेस पे आपने रीड किया होगा कि इन्हें भी साथ खुशियाँ, क्या कहना चाहिए? बहुत बिल्कुल तहे दिल से जो है शहडोल की जनता और खास करके इन भाई साहब सज्जन की बात करें, बड़े दिल से जो है तन्मयता उत्सुकता के साथ ये जो धन्यवाद दे रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के मुखिया की बात करें या फिर हम जो रेल मंत्रालय की बात करें, रेल के बड़े बड़े अधिकारियों की बात करें, ये वही ट्रेन है जिसे अभी पल भर में जो है यहाँ से जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। हमारे इस भीड़ में बीच में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आम से लेकर के खास तक यहाँ मौजूदगी है, ऐसे में जो है वरिष्ठ पत्रकारों का भी जत्था पैनल समूह यहाँ पर खड़ा है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार इन्हें कितनी उत्सुकता है और क्या क्या और भी अपेक्षाएं रखते हैं रेल प्रशासन से। रेल मंत्रालय ने अच्छा काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा कष्टदायक उसका जो टाइम है, सुबह 5 बजे जाना, रात में पहुंचना, होटल का खर्चा बढ़ गया अलग, फिर रात में रुकना पड़ेगा, चला फिर दिखाए। दूसरी बात, ये पुरानी बोगियां सब लगा दी है, जो आजकल की नई बोगियां थी उनको नहीं लाया, ये सब इस आदिवासी अंचल को बेवकूफ बनाने का काम किया रेल मंत्रालय ने। ये देखिए बोगी क्या हालत, सड़ी बोगियां, बिल्कुल नई बोगी देना चाहिए जो एल्यूमिनियम की बोगी है, हो सकता है शुभारंभ करने पे हड़बड़ा हट में भाई साहब, अगर देखिए अंत खराब होगा तो वो भी खराब होगा, सब कुछ खराब होगा, ये आदिवासी अंचल के लोगों को इन्हें बेवकूफ बनाया है शुद्ध शुद्ध। आप टाइमिंग पे चलाओ ना ट्रेन को, रात में चलाते, सुबह पहुंचते, काम करके फिर वापस आ जाते। बहरहाल लंबे अरसे से जो इंतजार था शहरवासियों को, आम से लेकर खास तक, लेकिन ऐसे में अगर आज ट्रेन चलाई जा रही है उसकी आपको कितनी खुशी है? नहीं मानते, हमको कोई खुशी नहीं है, या रोज बीमार पड़ेगा आपके यहाँ का आदमी,
और ये डेली भी नागपुर जाना है आपको? हो सकता है इलाज के एवज में या इलाज के अलावा यदि हम बात करें, और भी तमाम कार्य होते हैं, शादी है, बर्थडे है, या तो बिजनेस के पर्पज से कोई जाता है, ये भी तो लाभ मिलेगा। बिल्कुल निस्संदेह इसका लाभ मिलेगा, लेकिन टाइम। चलिए निश्चित ही वरिष्ठ पत्रकार बंसल जी ने ये अपनी मांग रखी है और इस मांग को जो है कितनी बेहतर तरीके से एक चुस्ती फुर्ती संबंधित विभाग के अधिकारियों की बात करें या रेल प्रशासन की बात करें, आखिरकार समय सारणी में क्या बदलाव किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, आखिरकार वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जी एक चर्चा और, रेल मंत्रालय से निवेदन है, कोरोना काल में जो सुविधाएं मिलती थी, हम जैसे सीनियर सिटीजन की सुविधाएं खत्म कर दी है इसने, 40% हमको छूट मिलती थी, खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया भाई? सांसद विधायक फ्री जाए, हम लोगों से 40% छूट वो भी खत्म कर दी। क्यों? ये लोग जाए ना फ्री में, ये लोग पैसा देके जाए तो मालूम पड़े। इसी से देखिए, जैसे कि ये जनसलाम यहाँ पर मौजूद है, इस भीड़ में तमाम ऐसे भी लोग हैं आम से लेकर खास तक जिन्हें बेहतर खुशी है, बड़ी खुशी है, लेकिन इस भीड़ में ऐसे भी लोग हैं जिनकी एक कामना है, एक अपेक्षा है और एक शिद्दत के साथ इंतजार आज भी है कि किसी न किसी प्रकार से कुछ कुछ फेर बदल उसमें किया जाना चाहिए। और हालांकि उसके लिए बेहतर जो है समझदारी के साथ जो है रेल प्रशासन के आला अधिकारी से तो बेहतर तरीके से जाने के कैमरा पर्सन आज जो है मध्य प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जो है हरी झंडी दिखा करके आज यहां से रवाना किया जाएगा। हालांकि पल भर का इंतजार समाप्त होने के बावजूद जो है ये शहरवासियों को उत्सुकता जो है बेहतर तरीके से इनके चेहरे में एक मुस्कुराहट आएगी और निश्चित ही जो है इस ट्रेन को यहां से रवाना किया जाएगा। हालांकि आगे की हम बात करें कि किस हिसाब से शेड्यूल बनाते हुए, किस हिसाब से समय सारणी बनाते हुए, कितने बजे यहां से कब यहां से चलाना है और नागपुर से आने के दौरान जो है कितने बजे ट्रेन को वहां से रवाना किया जाएगा, ये तो हालांकि रेल के आला अधिकारियों के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो सारी चीजों को देख करके वो समय सारणी जो है खाका वो तैयार करेंगे। यहाँ पे और भी जो है महिला यहाँ पर खड़ी हुई है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार इन्हें कितनी उत्सुकता है इस ट्रेन को यहाँ से रवाना जब किया जाएगा। क्या नाम है? इस ट्रेन में सवार होकर के कहीं जाने के लिए आप आई हैं या ट्रेन देखने आई हैं कि छोटे के कब? नहीं, वैसे तो देखने आए हैं, हमारे पति ले जा रहे हैं। आपके हस्बैंड हैं? दोस्तों ये बड़ी खुशी की बात है और हम जी हम निश्चित ही ये सोच रहे थे कि हम इस ट्रेन को जो ड्राइवर साहब ले जाने वाले हैं हम उनसे भी गुफ्तगू करें, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि उनकी धर्म पत्नी यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे बात ना हो सके लेकिन इनसे ही बात करते हैं कि जब वो घर से निकले होंगे, आपने उन्हें ब्रेकफास्ट वगैरह खिलाया होगा, तैयारी अब रही होगी, तो किस प्रकार की आप दोनों के बीच में बातें भी, कितने समय पहुंची ट्रेन, क्या क्या कहना चाहेंगे? बस तो बोल करके निकले होंगे घर से। आप कैसा महसूस कर रही है जब प्रथम बार आज पहला दिन है इस शेड्यूल से नागपुर स्पेशली ट्रेन का और वो भी आपके पति महोदय जो है आज इस ट्रेन को जो ले जा रहे हैं, आप कितना खुशी महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, कम से कम मेरे ही। आप भी ट्रेन देखने आई है, पड़ोस में है, पड़ोस में है। अच्छा आप भी देखने आई है, चलिए बड़े ही उत्सुकता की बात है। और देखिए काफी सारे यहाँ पे लोग खड़े हैं, अपने गले में जो है ये पद्दी आई डी उन्होंने लगाया हुआ है। और क्या इच्छाएं हैं रेल प्रशासन से इस ट्रेन के लिए कि डेली चलाया जाए, क्या टाइमिंग होना चाहिए और क्या डेली में चले? चलिए निश्चित ही जो है शेड्यूल में टाइम से चले। और दूसरा क्या है, एक सुविधा और हो जाए, एक ट्रेन मुंबई के लिए डायरेक्टली नहीं है, बस वो रिक्वेस्ट मुंबई जाने। रेल के बड़े बड़े अधिकारी अगर इन बहन को अगर सुन रहे हैं तो इनकी और भी मांगे थोड़ा सा शिद्दत के साथ थोड़ा सुनेंगे, यहाँ से कहाँ तक चाहिए ट्रेन? मुझे डायरेक्ट यहाँ से मुंबई के लिए एक ट्रेन की सुविधा कर दी जाए किसी भी तरह से, क्योंकि आज जाने दिल्ली के लिए आवाज उठा गया, बहुत सारी परेशानी है। चलिए हम तो व्यक्तिगत तौर पर ये भी अपेक्षाएं करते हैं कि यदि हम जो है उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम की बात करें, यहाँ से तमाम प्रकार के रूट के लिए ट्रेन जो है व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए। और अंत में मैं एक बड़ी अच्छी जो है खुशनुमा पहल और खुशनुमा स्थान पे यहाँ पे अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं, खास तौर पे यदि मैं खाकी के जवानों की बात करूँ, भाई साहब यदि जो है आज का ये शुभारंभ जब होना था, जब ये जो है नियत किया गया, समय सारणी जब बनाया गया, तो उसके पूर्व में जो है यदि हम बात करें शहडोल संभाग और जिले के पुलिस और प्रशासन की और या फिर जो है रेल में अपनी सेवा देने वाले खाकी के जवानों की, यदि हम आरपीएफ के जवानों की बात करें, यदि हम जो जीआरपी के जवानों की बात करें और खास तौर पर जो है रेल विभाग के जितने भी यहाँ विभाग हैं, चाहे कमर्शियल की बात करें, चाहे ऑपरेटिंग की बात करें, या फिर देन बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनकी जो है यहाँ पे बड़ी सेवा जो है साहब
आज चार घंटे से नहीं बल्कि जो है पिछले चार पांच दिनों से इनकी जो है नींद उड़ी हुई है कि आखिरकार जो है जब आज यहाँ पे जो है ट्रेन का जब शुभारंभ किया जाएगा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना जब किया जाएगा, ऐसे में बड़ी जो है एक बड़ी जनसेवा का जो है परिचय देते हुए हॉकी के जवानों ने भी जो है दिन रात यहाँ पर एक करके रखा है। आप इन्हें भी देख सकते हैं, रविशंकर प्रसाद शुक्ल जी है, आप आरपीएफ से हैं, अनुपुर से सैल्यूट है आपको। वाकई में दिन रात आप लोगों ने इतनी सेवा के साथ जो है अपने उपस्थिति दर्ज कराई और इन साहब को भी आप देख सकते हैं, आरपीएसएफ के साहब हैं एक यहाँ पे, और ये जो है देव कुमार यादव जी हैं जो कि आरपीएफ शहडोल में यहाँ पे जो है उप निरीक्षक के पोस्ट में। क्या कहना चाहेंगे सर? अच्छा, आप भी जा रहे हैं इसमें, वाह क्या बात है। वाकई में हम जिस स्थान पे खड़े हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों के साथ हमारी वार्तालाप हो रही, बातचीत हो रही है कि जिस ट्रेन में जो है सेवा देते हुए काफी दूर तक जो है सफर जो है तय करेंगे, बड़ी खुशी होगी आपको निश्चित। चलिए आपको और थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ, बाकी के जवानों की जो मैं बात कर रहा था बड़े उत्सुकता तन्मयता के साथ जो अपनी सेवा दे रहे हैं, ये देख सकते हैं आप जो है पिछले चार पांच दिनों से इस परिसर में जो है कोई शहडोल से, कोई अनूपपुर से है, कोई भिंड से, मुरैना से है, कोई जबलपुर से, कोई जनसेवा का प्रमाण और परिचय लगातार थोड़ा सा बात करके जो है इस जन सैलाब को एक बार थोड़ा सा आप और फोकस करें, आप यहाँ पर आते हुए इधर 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 ये देख सकते हैं आप जो है जो उत्सुकता और भीड़ यहाँ पे जो मौजूद है, ये भाई सकता है जी हम बहुत खुश हैं, जो वहाँ गाड़ी चल रही है आपके नागपुर के लिए, हम चाहते हैं कि एक गाड़ी और चले जो हमारे लिए सुविधा की वो बन जाए, गेंद बन जाए। बिल्कुल अपेक्षाएं उम्मीद और इंतजार बहुत है, और देखिए ये प्लेटफॉर्म नंबर एक की सीधी तस्वीर है, ये प्लेटफॉर्म नंबर एक पर भी देख सकते हैं आज जो है भाई साहब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि आज जो है कुंभ का मेला है, या तो फिर हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार से जो है विराट नगर शहडोल में एक बहुत ही बड़ा जो है पर्व या त्यौहार मनाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से ये पर्व और त्यौहार महसूस हो रहा है जैसे कि हमारा भारत वर्ष का दो राष्ट्रीय त्यौहार जो कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो मनाया जाता है, उस भांति जो है आज का ये दिन जो है शोभामान हो रहा है। और निश्चित तौर पे जो है ये काफी सारे जो है आला अधिकारी हैं जो अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करा रहे हैं, पल ही भर में जो है यहाँ पे सीएम शिवराज सिंह चौहान, रेल के बड़े बड़े आला अधिकारियों की बात करें, डीआरएम साहब की बात करें, या तमाम प्रकार के अधिकारी पदाधिकारियों के यहाँ मौजूदगी उपस्थिति दर्ज हो रही है, लगातार आते ही जा रहे हैं, और हमें बड़े बेसब्री से और नगरवासियों को बड़े बेसब्री से इंतजार है कि आखिरकार इस ट्रेन को जो है यहाँ से हरी झंडी दिखाकर कब रवाना किया जाएगा। शहडोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2/3 से जो है एपीआर न्यूज के लिए मैं श्याम मानिकपुरी, जय हिंद जय भारत।